और इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके छोड़ दिया गया तो ये SHM कर रहा है ऐसे ऐसे दोनों ब्लॉक, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो पहला केस एक ऐसे ले लेते हैं, फिर इसको लेंगे हम। हम एक चीज़ और समझाना चाह रहे हैं कि सपोज करिए मास अनइक्वल हो तो क्या होगा। ये तो एक जनरल हम चीज़ समझाने जा रहे हैं। दो अनइक्वल मासेस एक स्प्रिंग से अटैच्ड हैं से, और तुमने इसको कंप्रेस किया हुआ है। इस दोनों ब्लॉक सिस्टम का एक कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास भी होगा बच्चों, ठीक है। हमने इन दोनों को ए कंप्रेस किया है, ए दूरी तक इनको कंप्रेस किया है, ठीक है। अब इस सिस्टम को, ये हमारा सिस्टम है, तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल SHM के लिए वो स्प्रिंग फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स होगा। तो एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, मोशन के अलावा कोई फोर्स नहीं है एक्सटर्नल। सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा बच्चों, ये समझना। तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा, इसको तुमने कुछ कंप्रेस करके छोड़ा है, सेंटर ऑफ मास वहीं है, तो ये सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, ये अपना ऐसे ऐसे करता रहेगा। कहने का ये मतलब है कि ये अपने नेचुरल लेंथ के ऐसे बना दिया हमने, ठीक है बच्चों। ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, ये अधर अगर इधर जाता है A1 और ये इधर जाता है मान लीजिए A2, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहता है। ये एम्पलीट्यूड है इस ब्लॉक का, ये वाले ब्लॉक का, यानी ये इधर A1 इधर A1 के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, और ये वाला इधर A2 और इधर A2 एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। तो तुमने दोनों को दबाया जब है तो A1 प्लस A2 मिलके A हो गया। कुल कितना कंप्रेस हुई, इधर से A1 इधर से A2 मिलके टोटल A कंप्रेस हुई, जो कि ये लिख दिया हमने। और चूंकि सेंटर मास अपनी पोजीशन नहीं बदली है, तो सेंटर मास की प्रॉपर्टी है कि M1A1 इक्वल टू M2A2। सेंटर मास की पोजीशन के अगर ये कुछ शिफ्ट हुआ, इधर ये शिफ्ट हुआ, ताकि सेंटर मास ना चेंज हुआ हो, ये वाला। ये कैसे आया हम एक बार समझाना चाहेंगे कि हमने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बराबर M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 अपॉन M1 प्लस M2। ये एक फार्मूला है, इसमें ये शिफ्ट लिखा है, चेंज लिखा है, ये जीरो है। तो ये जब जीरो रहेगा तो ऊपर वाला पूरा जीरो रहेगा। तो ये कहने का है, ठीक है, ये जीरो तो पूरा ये हो गया M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 इक्वल टू जीरो। तो M1 डेल्टा X1 इक्वल टू माइनस M2 X2। ये माइनस बता रहा है अपोजिट, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस। ये बताओ एक इधर प्लस है तो एक माइनस इधर है कि नहीं। अगर एक इधर डिस्प्लेस हुआ तो एक इधर डिस्प्लेस हुआ तो माइनस तो है ही। तो यहाँ M1A1 हो गया प्लस वाला, और वो वाला M2A2 लिख दिया जो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये रिलेशन हो गया जो हम फौरन कर दिए, इसको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया ये। तो अब अगर मान लीजिए, इससे पता चल गया हम लोग को सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिला है, जैसे लग रहा है ये रेस्ट में हो गया, ये लगा रेस्ट में हो गया। तो अगर स्प्रिंग को यहाँ से काट दें, अगर हम ऐसे यहाँ से, तो इसका K1 इसका K2 अलग अलग हो जाएगा, हमने बताया था स्प्रिंग कटने के लिए। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, अच्छा एक बात और है, हाँ एक बात और बता दें आपको, ये रेस्ट में हो गया, ये ऐसे ऐसे करेगा, ये ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन दोनों अगर एक साथ मोशन देखें तो एक साथ ऐसे ऐसे कर रहा है। तो जितने देर में ये एक ऑसिलेशन कर रहा है उतनी देर में ये भी कर रहा है, ऐसे देखिए ना, इस जगह से ऐसे एक बार ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर वापस एक साथ एकदम। तो ये इसका एक ऑसिलेशन जब खत्म हुआ उसी टाइम में इसका भी खत्म हुआ, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, ये बात समझिएगा। इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम होगा, और यही दोनों यही जो तो टाइम पीरियड जो सेम है वो इस सिस्टम का उस टाइम पीरियड कहलाएगा, अलग नहीं होगा। मासेस अलग हो तब भी दोनों मास अलग अलग मास हो, अलग अलग मास होने पे एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे, एक थोड़ा सा कम बेसी ऐसे से करेगा, थोड़ा ज़्यादा करेगा, लेकिन टाइम पीरियड एक ही होगा, फ्रिक्वेंसी एक ही होगा। जैसे ये ऐसे गया इतना, ये अपने एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो ये भी अपने एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट में रखना है। तो ये जब रेस्ट में आएगा तो ये भी रेस्ट में वहाँ जाके आएगा, मोमेंटम दोनों का इस अपोजिट डायरेक्शन में सेम होगा। M1V1 इधर इसका, इसका M2V2 इसका इधर,
मोमेंटम भी सेम रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, नेट मोमेंटम जीरो होगा। ये इसका जब इधर ये चलेगा तो M1V1 इसका M2V2, तो इसलिए जब ये इधर अपने एक्सट्रीम पहुंचेगा ये अपने एक्सट्रीम पहुंचेगा, फिर अपने मीन पोजीशन पे आएगा। बात समझ आई? और एक बात और बता दें, हमने पढ़ा है मैक्सिमम वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे। इसका मीन पोजीशन यही है, इस वाले का मीन पोजीशन यहाँ पे है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी जो होगी, अगर इसका मास m2 है मान लीजिए और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी इधर v2 है मैक्सिमम वाली, और इसकी इधर है इधर होगी, तो m1v1 इक्वल टू m2v2, ये भी एक चीज करना होगा। बहुत सारे पहलूज हैं इसमें, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इस सवाल के। तो हमने एक चीज ये बता दिया, अब एक चीज बताओ सबसे पहले, खैर हम इस सवाल पे डायरेक्ट आ जाते हैं, इसको फिर डिटेल में करेंगे। अभी हम एक चीज कहना चाह रहे हैं, अगर m1 m2 इक्वल हो तो a1 a2 भी इक्वल होंगे, तो उस हिसाब से a1 प्लस a1 बराबर a, तो a1 बराबर a/2, यानी कहने का ये मतलब है कि दोनों का एम्पलीट्यूड जो है आधा आधा होगा, मतलब एम्पलीट्यूड जितना कंप्रेस किया उसका आधा आधा करेगा। तो उस हिसाब से अगर दोनों मास सेम होंगे, दोनों मास सेम होंगे तो सेंटर ऑफ मास ठीक बीचों बीच में होगा, ठीक बीचों बीच होगा। ये पॉइंट रेस्ट में होगा कि नहीं, ये पॉइंट है, तो यहाँ से स्प्रिंग हमने काट लिया, मेंटली तौर पर मान लिया यहाँ से काट दिया। अब स्प्रिंग आधी आधी कटी तो स्प्रिंग कॉन्सेंट कितना कितना हो जाएगा, 2k 2k हो जाएगा। और ये एम मास है, स्प्रिंग कॉन्सेंट के टाइम पीरियड कितना होगा, 2π√m/2k ऐसे निकल जाएगा, वही टाइम पीरियड इसका होगा। अब अगर मान लीजिए मास अलग अलग होते तो ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता, उस हिसाब से स्प्रिंग कटती तो के अलग अलग होता, उस हिसाब से टाइम पीरियड अलग अलग होता। तुम्हें हाँ अलग अलग है, तो हिसाब से स्प्रिंग कहाँ सेंटर ऑफ मास लोकेट करना होगा, स्प्रिंग किस रेशियो में कटेगा ये देखना होगा, उस हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड होगा। अब देखो इस सवाल को लगाने का एक सबसे और आसान तरीका, जो बहुत आसान है, क्या किया जाता है इस सवाल को लगाने का, देखिए बहुत आसान तरीका एक और बता दें हम आपको। ये के है, ये m1, ये m2 है। क्या किया जाता है कि ये स्प्रिंग यहाँ लगा दिया जाता है, ये स्प्रिंग को यहाँ लगा दिया जाता है, वही स्प्रिंग के को, और एक सिंगल मास यहाँ पे रख दिया जाता है। इस मास को इन दोनों मासों का रिड्यूस मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिड्यूस्ड मास, जो इस तरह रिलेटेड होता है 1/m = 1/m1 m2। ये m निकल जाएगा इससे, कितना होगा m बराबर, ये m1 m2 m1 plus m2, तो m = कितना हुआ m1 plus m2। कैपिटल m निकल गया इन दोनों मासों से, कैपिटल m निकल गया दोनों मासों से, रिड्यूस मास निकल गया। अब ये मास है, ये k है, टाइम पीरियड कितना होगा, 2π√m/k, कैपिटल m कितना होगा, ठीक। तो ये आ गया कैपिटल, ये रिड्यूस मास है। अच्छा अगर रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट से अगर अपना क्वेश्चन लगाते तो अगर दोनों मास सेम होता तो रिड्यूस मास कितना होता उस केस में, अगर m1 और m2 बराबर हो m के बराबर, तो रिड्यूस मास कितना होगा, m² / 2m ना, m/2। तो यहाँ पे अगर m/2 रखिए तो कितना होगा, 2π√m/2/k, तो 2π√m/2k, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। तो अब एक चीज समझिए, आपको एक सवाल दूसरा है उसी पे एग्जांपल बता दें। अगर ये दो मास हैं m 4m, ये k हो गया, रिड्यूस मास इसका कितना होगा, 1/M = 1/m + 1/4m, 4m यहाँ लिख दिया, 4+1 5/4m, कैपिटल m कितना हो गया 4m/5, टाइम पीरियड कितना हो गया 2π√, रिड्यूस मास कितना है 4m/5/k, तो ये हो जाएगा 2π√4m/5k। ये जल्दी निकल जाएगा रिड्यूस मास से इस तरह। अच्छा इसको चाहते स्प्रिंग काटने वाले के हिसाब से भी कर सकते थे, देखो कैसे, ये 4m है, ये m है, सेंटर मास किधर ज़्यादा होगा नज़दीक, हाँ ये लेंथ अगर है तो यहाँ पे कहीं होगा, तो स्प्रिंग को हमें इस रेशियो में काटना होगा, तो देखना होगा कि
सेंटा मास कहाँ लाई करेगा, है कि नहीं? जो सेंटा मास अगर चलिए उसको भी सोचते ही हैं, ये दूरी अगर फोर, ये अगर एक्स होगा तो ये फोर एक्स होगा बच्चों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, क्योंकि फोर एम इंटू एक्स, एम इंटू फोर एक्स इक्वल होता है ना प्रोडक्ट सेंटर मास, यानी ये लेंथ अगर फोर एक्स है, ये एक्स है, ये ठीक है, यानी पूरी स्प्रिंग को इस रेशियो में काटना है, किस रेशियो में, फोर इज टू वन में, फोर इज टू वन में काटना है, यानी कुल फाइव इसका के कितना हो जाएगा, फाइव टुकड़ों में काटेंगे बताए थे, तो फाइव के बाई फोर इसका होगा, इस वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फोर के बाई के, यहाँ से काट दिया, अब अगर ये इसको भूल जाइए, ये स्प्रिंग है फोर के बाई, अब फाइव के बाई फोर, इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, टू पाई अंडर रूट एम अपॉन फाइव के बाई फोर, फोर ऊपर चल जाएगा, यही आंसर आ गया। तो दोनों का आंसर से तुम लोग समझ गए,